भारत चीन सरहद पर जबरदस्त तनातनी का माहौल बन चुका है। खबरों की माने तो जल्द ही पीएम मोदी लद्दाख का दौरा कर सकते हैं। ये युद्ध है भारतीय वीर जवानों का, हमारे बहादुर सैनिकों का हौसले बुलंद है। आपकी बार चीनियों को घर में घुसकर मारने की फिराक में है भारतीय सेना। ऐसे माहौल में अक्सर मोदी जी जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सरहद पर जरूर जाते हैं, और एक बार फिर से मोदी जी सीमा पे एक बड़े ऐलान करने के प्लान में है। वैसे तो आप लोग अपना दिन भर का काम फेसबुक और टीवी देखकर गवा देते हैं, लेकिन आज समय है कि आप भी इस वीडियो को लाइक करके भारतीय सेना का हौसला बढ़ाए और इस वीडियो को अंत तक देखें। एलएसी पर राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया गया है, और अब भारतीय सैनिक अपना ब्रह्मास्त्र जिसका नाम काली है उसे भी सीमा पर तैनात करने जा रहे हैं। अब भारत चीन के बीच कांटे की टक्कर में चीन हवा में उड़ने वाला है, क्योंकि चीन के पास न तो काली जैसा हथियार है और न ही राफेल जैसे लड़ाकू विमान। इसी कारण चीन हमेशा से सीमा पर लाठी और मुक्का से लड़ाई करता है, और हर बार भारतीय सैनिक उसे जबरदस्त पटकानी देकर मुंह लाल कर देते हैं। क्या भारत को अग्नि 5 परमाणु मिसाइल भी सीमा पर तैनात कर देनी चाहिए? आप हमें नीचे कमेंट में बताइए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आधा चीन का 2 मिनट में स्वाहा होना तय है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आपको बताते चलेगी अमेरिकी राष्ट्रपति के हवाई जहाज पर भी एक भयंकर हमला हो चुका है। इसकी पूरी बात आगे हम करेंगे। पूरी दुनिया में जंग के माहौल बने हुए हैं। किसी भी वक्त लद्दाख से भारत और चीन के सैनिकों के बीच झपर की नई वीडियो आ सकती है। स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया भी इस लड़ाई में कूद चुका है। तनाशाह किम जोंग एक बेहद भयानक वे कदम उठा लिया है। जी हाँ दोस्तों, इस युद्ध के खतरनाक माहौल में परमाणु बम से संपन्न नॉर्थ कोरिया ने चीन और पाकिस्तान की कैसे मदद की है, पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद इस समय दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। दोनों देश के बीच सीमा विवाद को लेकर कई बैठक भी हो चुकी है। इस तनाव के बीच चीनी सेना लगातार पूर्वी लद्दाख की सीमा में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है। पिछले कुछ दिनों में चीन की सेना ने यहां तोपे और हथियार का बड़ा जखीरा जमा किया है। हालांकि भारत भी इस बार दो दो हाथ के मूड में दिख रहा है। भारत ने भी ड्रैगन को जवाब देने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली, और लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा सीमा पर भारतीय सेना ने भी अपने तोपों के मुंह चीनी सैनिकों की तरफ कर दिए हैं। साथ ही भारी मात्रा में भी हथियार पहुंचा दिए हैं। भारत के साथ साथ सीमा को लेकर चीन का विवाद 17 अन्य मुल्कों से भी है। चीन की चाहत विस्तारवाद की रही है। वे अक्सर अपने आसपास के देशों में सीमा को लेकर उलझुल दबे करता रहा है, और सीमा विवाद को लेकर अडिंग रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक के इलाकों पर चीन की नजरें रही है। चीन दावा करता है कि मैकमोहन रेखा के जरिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में उनकी 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन दबा ली है। हिमालयी क्षेत्र में सीमा विवाद को निपटने के लिए 1914 में भारत तिब्बत शिमला सम्मेलन बुलाया गया। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति को थप्पड़ मारने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति पर भयंकर हमला हुआ है, और इसमें चीन का बड़ा हाथ हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर इतना खतरनाक हमला किसने किया, पूरी चर्चा बेहद विस्तार से करेंगे। आगे हम बात करेंगे कि आखिर अमेरिका के CIA चीफ ने गुपचुप इस्लामाबाद दौरा किया है, और इस दौरे का क्या मायने है। पाकिस्तान विदेश मंत्री बोले एयरबेस देने का सवाल ही नहीं, सच्चाई कुछ और। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की सबसे विस्फोटक खबर से, जिसे सुनने के बाद पूरे भारत में दहशत का माहौल बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी वक्त नॉर्थ कोरिया भारत के खिलाफ एक बड़ा एक्शन ले सकता है, और इस बात की आहट बहुत तेज हो चुकी है। किम जोंग उन संग मिलकर परमाणु मिसाइल ताकत बढ़ा रहा पाकिस्तान। 1718 जहाजों की यात्रा से बड़ा रहस्य, परमाणु बम और महाविनाशक मिसाइलों से लैस उत्तर कोरिया तनाशाह किम जोंग के साथ भारत के धुर विरोधी देश पाकिस्तान की दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान की इस नापाक दोस्ती में चीन एक मजबूत कड़ी की भूमिका निभा रहे हैं। इस बीच भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि उत्तर कोरिया के 1718 जहाजों ने पिछले 3 साल में दुनिया के कई देशों का रहस्यमय दौरा किया है। ऐसे में ये संदेह बढ़ता जा रहा है कि कहीं उत्तर कोरिया पाकिस्तान को लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल की तकनीक और परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी में मदद तो नहीं कर रहा है। ये आशंका ऐसे समय पर जताई जा रही है जब गुजरात के कंडला बंदरगाह पर पिछले साल एक चीनी जहाज दाइचू यून से भारतीय जांच एजेंसियों ने ऑटोक्लेव बरामद किया था। ऑटोक्लेव को मिसाइल की मदद क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जांच में पता चला था कि चीनी जहाज चोरी से पाकिस्तान के कराची बंदरगाह जा रहा था।
था। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑटोक्लेव पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था। उत्तर कोरिया चीन पाकिस्तान के बीच हथियारों और उनकी तकनीक की तस्करी को लेकर पहले भी खबरें आती रही है। पाकिस्तानी परमाणु हथियारों के जन्मदाता एक्यू खान पर उत्तर कोरिया को परमाणु तकनीक देने का आरोप लगा था। ऐसे में उत्तर कोरिया के 1718 जहाजों के रहस्यमय दौरा करने से यह संदेह बढ़ता जा रहा है कि कहीं दोनों देश फिर से परमाणु और मिसाइल तकनीक पर एक दूसरे की मदद तो नहीं कर रहे हैं। उत्तर कोरिया जहाजों की इस मूवमेंट पर अमेरिका ने भी चिंता जताई है। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि उत्तर कोरिया के 1718 जगहों में से कितने चीन या पाकिस्तान गए और इनमें क्या सामान लदा हुआ था। इससे पहले जून 2020 में आई एक जर्मन रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु जैविक और रासायनिक हथियारों को लेकर गठजोड़ चल रहा है। चीन काराकोरम हाईवे के जरिए पाकिस्तान तक परमाणु सामग्री भेजता रहा है। जर्मन रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दोस्ती का मकसद हथियारों के जखीरे को पूरा करना, उनकी रेंज को बढ़ाना, उनकी क्षमता को सुधारना और नई हथियार प्रणाली को विकसित करना है। ये दोनों देश जर्मनी से अवैध तरीके से जरूरी तकनीक हासिल करने का भी प्रयास कर रहे हैं। CIA चीफ का गुपचुप इस्लामाबाद दौरा, पाकिस्तान विदेश मंत्री बोले, एयरबेस देने का सवाल ही नहीं, सच्चाई कुछ और। अमेरिकी फौज 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से निकल जाएगी। इससे पहले वो तालिबान और अलकायदा पर नजर रखने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि उसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर एयर या मिलिट्री बेस मिल जाए ताकि वो यहां से आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर सके। ऊपरी तौर पर पाकिस्तान इससे इनकार कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में खबर है कि पिछले दिनों CIA चीफ एक बेहद सीक्रेट विजिट पर पाकिस्तान आए थे। हालांकि पाकिस्तानी फौज और सरकार इस मामले पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है। वैसे सच्चाई कुछ और है। दरअसल पाकिस्तान ने 2001 में अमेरिका से यह समझौता किया था। इसके तहत अमेरिकी फौज पाकिस्तान के एयरबेस और एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकती है। यानी पुराना समझौता रद्द नहीं किया गया, बल्कि इमरान सरकार सिर्फ नए समझौते से इनकार कर रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सोमवार को फिर साफ कर दिया कि अमेरिका को एयर या मिलिट्री बेस नहीं दिए जाएंगे। कुरैशी ने कहा, यह बात सही है कि अमेरिका हमसे इस तरह की मांग कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की कुछ चिंताएं हैं। हम उन्हें यह सुविधा नहीं दे सकते। जब उनसे ये पूछा गया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ ऑफर दिया है, तो उन्होंने इसका गोलमाल जवाब दिया। वही न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान और अमेरिका की बातचीत एक टकराव के स्तर पर पहुंच गई है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले कि चीन की पूरी दुनिया में इस वक्त गंदी बेइज्जती हो रही है और इसे छुपाने के लिए चीन के तानाशाह जिनपिंग पूरी ताकत लगा रहे हैं। चीन के खिलाफ और भी हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।